टॉपिक है स्किनिंग, तो हम डायरेक्ट कैरेक्टर पे स्किनिंग ना करके एक बेसिक ऑब्जेक्ट्स पे करेंगे। हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं, उस सिलेंडर पे स्किनिंग करके देखते हैं। में मैं जॉइंट्स, जहां जहां जॉइंट्स देने हैं वहां पे तीन तीन सेगमेंट देने जरूरी है, वहां दे रहा हूं। जॉइंट्स लगा लो। जॉइंट से पहले थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं वर्टिसेस को। जॉइंट्स लगा रहा हूँ ना, बोन्स साइज बढ़ा दो बोन्स का। अब मैं चाहता हूँ इन बोन्स के साथ, बोन्स सेल रोटेट हो रही है साथ में ये मैश, इस सिलेंडर भी इसके साथ ही रोटेट हो, तो हमें क्या करना है, बोन सेलेक्ट करना। सबसे पहले बोन, फिर शिफ्ट के साथ सिलेंडर सेलेक्ट करना। गो टू रिगिंग मेन्यू, स्किनिंग मेन्यू, बाइंड स्किन। ठीक है, बाइंड स्किन में यहां लिखा है जॉइंट हायरार्की या सेलेक्टेड या ऑब्जेक्ट। सेलेक्टेड में क्या होगा, मैंने क्या खाली ये वाली बोन सेलेक्ट की थी ना, तो इसी पे ये सिलेंडर चलेगा, बाकियों पे नहीं चलेगा, और हमें क्या करना है, सब पे चलाना है। तो ले लेना जॉइंट हायरार्की। देन यहां पे आ रहा है क्लासिक लीनियर ड्यूअल, आप हमेशा ड्यूअल रखना है। एंड बाइंड। अब देखोगे किसी भी बोन को रोटेट करने पे साथ में सिलेंडर भी जा रहा है, और देखो इसको रोटेट कर रहा हूं तो नीचे वाला मैश छोड़ ना हिलना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, वेट सेट करना है। वेट कैसे सेट करेंगे, ऊपर से शुरू करते हैं। वेट सेट करने के लिए बोन को ना एनिमेट कर लेना, मतलब पोज बना के देख लेना। देखो पोज बना के देखा तो सही वेट सही नहीं है स्किनिंग की। स्किनिंग ये वाला वर्टेक्सिस इसके साथ जाने चाहिए थे जो कि नहीं जा रहे। तो स्किनिंग सेट करने के दो तरीके, एक तो है कंपोनेंट एडिटर, दूसरा है पेंट स्किन वेट। सबसे पहले आज हम यूज करेंगे कंपोनेंट एडिटर, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, पर दोनों अपनी अलग अलग जगह है दोनों की, कभी इसकी जरूरत पड़ेगी कभी इसकी। नॉर्मली ज़्यादातर पेंट स्किन यूज करेंगे, पर एक्यूरेसी का करना है तो कंपोनेंट यूज करेंगे। तो मुझे क्या करना है, पहले सारी बोन्स को नेमिंग कर लेते हैं। लाइक मान लो स्पाइन वन, स्पाइन टू, स्पाइन थ्री, स्पाइन फोर, एंड
अब मुझे क्या करना है, जो हमारा मैश है वर्टाइसिस के साथ साथ करना, मुझे ये वाले वर्टाइसिस राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में ये वाले वर्टेक्स इसके साथ चिपकाने। तो चिपकाने के लिए क्या करना, इस बोन का नाम क्या है, ये वाली बोन का स्पाइन 4। तो गो टू विंडो जनरल एडिटर कंपोनेंट एडिटर, इन कंपोनेंट एडिटर गो टू रिजिड स्मूथ स्किन। स्किनिंग दो तरह की होगी, एक रिजिड यूज होगी रोबोट्स में, जब आपको बीच में स्मूथनेस नहीं चाहिए बोन मुड़ने पे, यहाँ पे स्मूथनेस आती है ना हमारी, रोबोट्स में नहीं आती। तो कैरेक्टर है तो स्मूथ, रोबोट्स है तो रिजिड, तो हमें स्मूथ यूज करनी है। तो मुझे इन वाले वर्टाइसिस पे, अभी ये वर्टाइसिस के ना नंबर आ रहे 8, 9, 10, ये नंबर वाइज सॉफ्टवेयर से जानता है। तो मैं सारे नंबर, ये सारे वर्टेक्स, ये वाले किसको देने हैं, स्पाइन 4 को। तो स्पाइन 4 में डाल देना 1 और बाकियों पे 0। मतलब मुझे खाली स्पाइन 1 को 1 देना, बाकियों को नहीं देना। देन ये वाले वर्टेक्स, ये वाले स्पाइन 1 को पूरे देने, पर थोड़ा सा इस पे भी आएगा ना, हमेशा अगली और पिछली बोन पे भी वेट जाएगा। मतलब ये वर्टेक्स इसके साथ तो चिपके रहेंगे, पर थोड़ा इसके हिलने पे भी इम्पैक्ट करेंगे। तो स्पाइन 4 को तो देना ही है, और एंड का तो कोई काम ही नहीं है। अब जो मेनली वेट है, स्पाइन 1 और 2 से तो कोई लेना ही देना ही नहीं है, स्पाइन 1 और 2 से कोई लेना देना ही नहीं है। लेना देना इसका किससे, 3 और 4 से। तो 3 पे तो बहुत ज्यादा आ गया ना, तो आप 3 का वेट कम कर सकते हो। लो हो गया सेट, और कम कर सकते हो। कोई डाउट, मतलब आपको क्या करना है, इसकी जो वैल्यू हो ना उनका खाली वेट सेट कराना है, और जो बोन पे ओवरलैप होगा, जिस बोन के ऊपर वर्टेक्स होंगे, उससे पिछली बोन से लेना देना है, और उससे पिछली से कोई लेना देना नहीं। मतलब स्पाइन 1, 2 से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए 0 कर दो। लेना देना किससे है, 4 और 3 से। तो देखो, चेक करो किसको कम करने पे ठीक हो रहा है, स्पाइन थ्री को कम करने पे, ये स्पाइन 1 को कम करने पे, किसको कम करने पे वेट ठीक हो रहा है, इसको। लो हो गया ठीक। यहां पे मैन्युअली वैल्यू डालनी पड़ेगी। जब आपको सही लगे वैल्यू सही है तो वहां छोड़ देना ऐसे इसको, एंड स्पाइन 1, 2 से लेना देना नहीं है, 3 से ज्यादा है, 4 से कम है, जब आधा आधा है, आधा आधा भी कर सकते हो। वेट सेट कर करके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है,
0.12 का तो 0 डाल दो, 0.4 का कम डाल दो, यहाँ स्पाइन 4 का आना ही नहीं चाहिए। लो ये तो सेट हो गया, 3 प्रेस करके चेक कर सकते हैं, सही मोड़ रहा है। जब वेट सेट हो जाए ना तो इसका एनिमेशन हटा देना। अब मुझे नीचे वाले का सेट करना है तो नीचे वाले का एनिमेशन बना देना। हमने यहां तक वेट सेट कर लिया था, अब बचा इसका। इसका अगली और पिछली बोन से लेना देना है, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से कोई लेना देना नहीं है इसका। 3 का वेट बढ़ाओ, 2 उसका भी हो गया सेट। इसका भी हो गया। यहां तक बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब ये 3 वाली जब बॉल मुड़ रही है इसको ज्यादा लेके मुड़ रही है, तो स्किन स्पाइन 3 का वेट कम करना पड़ेगा और इसको लेके ही ना मुड़े तो 0 लो हो गया। कोई डाउट? तो मैं क्या कर रहा हूं, आज खाली 2 बोन का आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि स्किनिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपको करते करते समझ आएगी। स्किनिंग मैं भी नहीं समझा सकता, मैं सिर्फ टेक्निक समझा सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको समझाएगी स्किनिंग। सिर्फ क्या करना है टेक्निक, आपको बोन्स का वेट कम ज़्यादा कर करके चेक करना है, पोज बना बना के। पोज बनाने पे सही हो रहा है तो जितने मर्जी पोज बनाओगे सब पे ऑटोमेटिक सही आएगा, सिर्फ वेट सेट करने से मतलब है। ठीक है, तो आज क्या करो, 3 बोन्स लो और सिलेंडर पे अपनी स्किनिंग अजमाओ।